मेरा नाम चंदन है और मेरे इस चैनल शेयर नॉलेज पुणे में आपका स्वागत है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा पैनी शेयर लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखता है। जी हाँ, मात्र 45 रुपये का ये शेयर है। इस शेयर का 52 वीक हाई चेक करेंगे तो देखेंगे 113 रुपये 70 पैसे के आसपास है। वहीं 52 वीक लो 36 रुपये 70 पैसे के आसपास है। ठीक है, तो देखेंगे फ्राइडे के दिन इस शेयर में कितना परसेंट का ट्रेडिंग हुआ, लोगों ने इसे लेके रखा है अपने पोर्टफोलियो में। तो देखिए 1,13,46,627 शेयर का ट्रेडिंग हुआ है और लोगों ने इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे इसका कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके जब डिटेल चेक करेंगे। जी हाँ, देखिए कंपनी को जो पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट हुआ था 31 दिसंबर 2020 को, वो हुआ था 1,339 करोड़ का। वहीं इस क्वार्टर 31 मार्च 2021 को जो प्रॉफिट हुआ है वो 2,630 करोड़ के आसपास हुआ है। यानी देखिए कंपनी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में दुगना प्रॉफिट बुक किया है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। वहीं देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो देखिए प्रमोटर का जो हिस्सा है वो 31% प्रमोटर का हिस्सा है इस कंपनी में। वहीं पब्लिक के पास 67 के पास आसपास उसका हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्रमोटर ने अपने हिस्से को गिरवी तो नहीं रखा है। तो देखेंगे आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे जाके इस कॉलम पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सी कॉलम में देखना है 0 है। तो देखिए प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छे साइन बन जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए। जी हाँ, इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है देखिए 5,994 करोड़ का, तो देखिए काफ़ी बड़ा मार्केट कैपिटल है देखिए इस कंपनी का। उसके बाद देखेंगे कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है 45 रुपये के आसपास है। ठीक है, और कंपनी के पास देखिए जो कर्जा है वो 19 करोड़ के आसपास का कर्जा भी है, उसको देना है कंपनी को, तो कर्जा काफ़ी कम है ठीक है मार्केट कैपिटल के कंपेयर में। जी हाँ, इस कंपनी की जो पीयर कॉम्पिटिटर हैं वो देखिए एम्फासिस है, L&T टेक्नोलॉजी है, ओरिकल है, फिन कॉर्पोरेशन यानी कोफोर्ज है, टाटा EXI है, तो ये इसकी मतलब कॉम्पिटिटर कंपनियाँ भी हैं। जी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं, तो देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी को इस बार जो हुआ है वो देखेंगे इस साल इस क्वार्टर में जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो 26 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन बन जाता है। देखिए 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, वहीं पिछले क्वार्टर में हुआ था 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसके पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का, 3 करोड़ का और ये 7 करोड़ का। तो देखिए हर एक क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन बन जाता है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको इसका ईयरली प्रॉफिट है, तो देखेंगे ईयरली प्रॉफिट कंपनी को इस बार जो हुआ है वो 49 करोड़ का इसको ईयरली प्रॉफिट हुआ है, तो देखिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। वहीं पिछले साल जो हुआ था वो 39 करोड़ का हुआ था, उसके पिछले साल 39 करोड़ का, 13 करोड़ का और 0 है, नहीं प्रॉफिट ही नहीं होता। तो देखिए हर एक साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया है प्रॉफिट के मामले में, तो एक अच्छा साइन बन जाता है कंपनी के लिए। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितना, यानी कंपनी के पास कितना पैसा बैलेंस पड़ा हुआ है, तो देखेंगे कंपनी के पास जो बैलेंस पैसा है वो है 2,524 करोड़ का पैसा इनके पास बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद 20 करोड़ के आसपास बोरोइंग है, उधार लिया हुआ पैसा है 20 करोड़ के आसपास है, तो वो कंपनी को देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 31% प्रमोटर का हिस्सा है, ठीक है, वहीं पब्लिक के पास 61% है, और देखेंगे उसके बाद FIS भी हैं यहाँ पे, यानी बाहर की कंपनियाँ भी हैं इन्वेस्टेड हैं और यहाँ पे DIS भी इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद जी हाँ, इस कंपनी का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए 45 रुपये का ये शेयर है, 5 दिन का चार्ट देखिए, 1 मंथ का चार्ट देखिए, 6 मंथ का चार्ट देखिए, YTD का चार्ट देखिए और इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। जी हाँ, इस शेयर में ग्रोथ है, इसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। इस कंपनी का नाम है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। जी हाँ, इसका मैं आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, तो फाइनेंशियल पे जस्ट क्लिक करना होता है, उसके बाद दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे डिटेल सारी। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी डिटेल है सारी ग्रीन में है, तो ये ग्रीन में होना यानी किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन बन जाते हैं। जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हो कोई भी कंपनी का, तो उसका फाइनेंशियल जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए सारी डिटेल ग्रीन में, खाली एक ही डिटेल वो रेड में है, वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो इतना इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बाकी सब डिटेल ग्रीन में होनी चाहिए कंपनी की। ठीक है जी, मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। तो देखिए इन्फोबीम एवेन्यू लिमिटेड जी मात्र 45 रुपये का शेयर है, फ्राइडे के दिन इसे 3.5% के आसपास का लो लगाया है, तो काफ़ी लोगों को मन में ये डर आ गया होगा कि अभी ये कितना नीचे और जाएगा, पर देखिए कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है,
फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। तो देखिए मैं मनी कंट्रोल पे आपको इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट रहते हैं, यानी यहाँ पे कितने परसेंट लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए कि हम यहाँ पे देखिए 58% लोग इस शेयर को बाय करने के लिए अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, तो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन बन जाता है इस कंपनी के लिए। जी हाँ, हाल ही में इस कंपनी ने रिलायंस कंपनी के साथ एक डील की है। ये कंपनी डिजिटल पेमेंट में काम करती है, यानी ऑनलाइन जो भी अपन ट्रांजेक्शन करते हैं पेमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर ये काम करती है। जी गाइस, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगता है इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, तो आप भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक ईजीली पहुँच जाएंगे। थैंक यू गाइस।